हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सूखी सब्जी। बहुत ही मस्त होती है, मज़ेदार होती है और स्वादिष्ट टेस्टी होता है। तो ये देखिए कटहल, ये आधा किलो कटहल को मैंने अच्छे से वॉश करके काट करके और इसे बॉईल कर लिया है कुकर में। दो तीन सीटी आने तक इसको पका लेना है। तो देखिए हमारा ये पक गया है, ये तो मैंने इसे बॉईल करके रख लिया है। और ये मैंने मीडियम आकार के 5 प्याज लिए हैं। इसमें प्याज ज़्यादा थोड़ा डलता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए ये प्याज मैं दी हूँ। तो चलिए बनाते हैं झटपट और बहुत ही आसान तरीके से कटहल की सूखी सब्जी, जिसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया था। 2 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच पंचफोरन। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पंचफोरन मतलब सौंफ, जीरा, कलौंजी और अजवाइन और मेथी, ये 5 होते हैं जिसे पंचफोरन कहा जाता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। ये सारा प्याज अब इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही सरल तरीके से ये सब्जी, सूखी सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है, परंतु बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। तो इसे आप ज़रूर घर पे ट्राई करें। और हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कॉमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज भून करके तैयार है। अब मैं इसमें कटहल ऐड कर दूंगी। इसको भी हम 2 मिनट भून लेंगे, फिर मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए हम 2 मिनट भून चुके हैं इसे। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। तो मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच या 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, काली मिर्च जीरा का पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च। यहीं पे आधा छोटा चम्मच मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर और डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। ये सबको अच्छे से मैं मिला लूंगी और भून लूंगी मसाले को। ये देखिए हमारा कटहल की सूखी सब्जी बनकर के रेडी है। मैंने इसे बीच में 2-3 बार चला लिया था। ये देखिए मसाला भी हमारा भुन गया है। गैस ऑफ कर देते हैं। अब चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कटहल की सूखी सब्जी बन करके रेडी है। तो मैं आप लोगों को इसका टेस्ट और स्वाद बता नहीं सकती हूँ कि कैसा बना है,
पर मैं पूरी सच्चाई से बता रही हूँ कि बहुत ही टेस्टी बना है। आप अपने घर पे ट्राई करके इसे देख सकते हैं और बहुत ही इजीली और बहुत ही सरल तरीके से तुरंत में झटपट ये सब्जी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसे घर पर ज़रूर बनाएं। ये देखिए, और दाल चावल रोटी के साथ या पराठे के साथ इसका लुत्फ उठाए। तो चलिए, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।